नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। विश्व कप में धोनी ने भारतीय सेना के सम्मान में बलिदान बैच क्या पहना कि पाकिस्तान को मानो करंट सा लग गया। आईसीसी ने भी बलिदान बैच पर कड़ा रुख अपनाते हुए धोनी को इसे हटाने के लिए कहा है। आईसीसी ने बीसीसीआई से कह दिया कि धोनी दोबारा ये ग्लव्स पहनकर मैदान पर ना उतरे। इसके पीछे आईसीसी ने G1 नियम की दलील देते हुए कहा है कि मैदान पर कोई भी खिलाड़ी अपनी ड्रेस पर ऐसा कोई चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकता जिससे कोई धार्मिक, राजनीतिक या नस्लीय संदेश जाए या फिर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। लेकिन अब इस बलिदान बैज को लेकर उठे विवाद पर वीरेंद्र सहवाग ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सहवाग ने एक हिंदी न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि मैं बहुत दिनों से बलिदान बैज को लेकर बातें सुन रहा हूँ। सहवाग ने कहा, मैंने सारी उम्र बजरंग बली का लॉकेट पहना है लेकिन आज तक किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। सचिन भी साईं बाबा का लॉकेट पहनते थे, उनको भी आज तक किसी ने नहीं टोका, क्योंकि वो आपकी श्रद्धा है और अपनी श्रद्धा के अनुसार आप कुछ भी कर सकते हैं। सहवाग ने कहा कि कभी कभार लॉकेट बाहर आ जाता था तो मैं उसको अंदर कर लेता था। सहवाग ने कहा कि MS धोनी इस लोगो को लगा सकते हैं लेकिन इसके लिए धोनी को लिखित आदेश लेना पड़ेगा जो धोनी ने नहीं लिया है। आदेश लेने के बाद वो बलिदान बैज को धारण कर सकते हैं। आईसीसी अपने नियमों के अनुसार बताएगा कि आप इस लोगो को कहां पर धारण कर सकते हैं, बैट पर या दस्तानों पर। सहवाग ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि आईसीसी ने इस मामले में कंट्रोवर्सी की है। अब धोनी के सामने दो ही विकल्प बचे हैं, या तो वो अपने ग्लव्स बदल लें या ग्लव्स से बलिदान बैज को ढकने के लिए टेप लगा लें।